क्या जिंदगी जिंदगी है मेरी, लगे मरी मरी, और मेरे दिल की हर बात मेरे दिल में दबी पड़ी। मेरा नाम डॉक्टर अरुणा सिंघल और मैं इस समय डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल और सिल्वर लाइन ग्रुप के साथ। और मैं जिस कॉलेज की डायरेक्टर हूँ वो बीएड और बीटीच का कोर्स है। अपने आज में जियो, अपने आज को अच्छे से जियो, और आपने अगर अपने आज को ठीक से जिया तो कल आपका ठीक हो जाएगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत मेहनत और मेहनत। मेरा जन्म स्थान हरिद्वार, मैं उत्तराखंड से हूँ, और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री धनीराम सिंघल, माताजी का नाम स्वर्गीय श्री सावित्री देवी। भाई बहन दो ही बहनें हैं हम लोग, मैं और मेरे से बड़ी बहन है डॉक्टर आवा जैन। मेरे फादर जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर थे, ही वॉज अ सिविल कॉन्ट्रैक्टर, और गवर्नमेंट के काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स लिया करते थे, तो अक्सर वो साइट्स पे रहा करते थे। और उनका मतलब बचपन एक अच्छा बचपन बीता है, एक एफ्लुएंट बचपन बीता है। और उनकी एक आदत थी, वो जब भी आया करते थे तो हम लोगों के लिए चॉकलेट्स लेके आया करते थे। वो चॉकलेट हमारा फिक्स था कि हम जब भी पापा आएंगे तो हमें वो चॉकलेट्स मिलेंगी, तो बड़ा इंतज़ार उनका रहता था हमें कि वो आएंगे और चॉकलेट देंगे। वो एक बॉन्डिंग थी कि एक होता ना एक कंडीशनिंग हो जाती है। मेरी मम्मी के अंदर धैर्य बहुत था, बहुत ज़्यादा धैर्य था उनके अंदर, और मैंने उन्हें 13 वर्ष की आयु में खो दिया था। उनकी डेथ हो गई थी, तो 13 वर्ष का बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं होता है। और जब माता पिता का जो एक इम्पैक्ट आता है पेरेंट के ऊपर, वो जब वो अपने टीनेजर्स में आता है तब आता है। तो मेरी मम्मी की मेमोरीज बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास मेरी मम्मी की, लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ तक मैं याद कर पाती हूँ उन्हें, उनके अंदर बहुत धैर्य था और वो बहुत ही अच्छी महिला थी। तो बस वही अच्छापन, वही धैर्य कहीं ना कहीं उनसे मिला है हमें। और मैं लाडली भी थी छोटी होने के नाते, तो बस बाकी तो जीवन में पढ़ाई बड़े सर्वोपरि थी, पढ़ाई जरूर करनी है और अव्वल आना है। तो मैं अपने स्कूल की स्टार चाइल्ड थी, स्कॉलर्स होम में पढ़ा करती थी 13 दिन में बैठा। यही कुछ मेमोरीज है, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद तो फिर जीवन थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो बचपन मेरा 13 साल की उम्र में ख़त्म हो गया था, 13 साल के बाद मुझे बचपन की कोई याद नहीं, बड़े हो गए थे 13। मम्मी के जाने के बाद फैमिली बिखर सी गई, पापा साइड पे रहा करते थे, मैं और सिस्टर रहा करते थे घर पे। सिस्टर भी बहुत बड़ी नहीं थी, 2 ही साल बड़ी थी, तो खाना बनाना ड्यूटी बंदी हुई थी हम लोगों की। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट सिस्टर बनाएगी और लंच मैं बनाऊंगी, और डिनर जो है फिर हम मिल के बनाया करते थे। तो हम लोग दोनों एक साथ, मतलब पापा जब आते थे साइड से तभी हम लोग इकट्ठे हो पाते थे, अदरवाइज़ हम दो बहन ही साथ रहा करते थे। तो हम बहुत छोटी सी उम्र में ही बड़े हो गए थे, अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी हमने शुरू कर दी थी। हाँ, स्ट्रगल लाइफ में ख़त्म ही नहीं हो रहा था। 19 साल की थी मैं जब बीएससी सेकंड ईयर में थी मैं उस समय, और देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज से ही बीएससी कर रही थी। उस दौरान मेरे पिताजी की डेथ हो गई, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था। मम्मी की डेथ के बाद हमारे घर में काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई थी, पापा काफ़ी डिस्टर्ब थे, तो 5-6 साल में उन्होंने बहुत लॉसेस दिए, इतने लॉसेस दिए कि हम किराए के मकान में आ गए, और शायद उनके ब्रेन हैमरेज का कारण भी यही था। और बस जब उनकी डेथ हुई तो फिर मैं और मेरी सिस्टर दो लोग रह गए। मेरी सिस्टर से मैं एमए कर रही थी, फर्स्ट ईयर था उसका, और मैं बीएससी सेकंड ईयर में थी। सर पे कोई हमारे हाथ रखने वाला था नहीं एज सच, तो हम दोनों ने ही फिर जॉब पकड़ ली थी। पहली जॉब जो मेरी थी वो हरिद्वार में थी, और वहाँ पर एक एम्यूज़मेंट पार्क उस समय आ रहा था, और उस एम्यूज़मेंट पार्क का जो हेड ऑफिस था मैं उसमें एज रिसेप्शनिस्ट। फिर मैंने एक दूसरी जॉब करी, वहाँ पर मैं एज ए टीचर थी, इंस्ट्रक्टर थी मैं कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर मुझे आता नहीं था लेकिन मैं कंप्यूटर की इंस्ट्रक्टर थी, और मैंने वहाँ सीख के
तब कंप्यूटर सिखाना शुरू किया, क्योंकि मैं वहाँ पर जॉब भी किया करती थी एज टाइपिस्ट। मेरा जो जीवन में बदलाव आया वो आया मेरी तीसरी नौकरी से, जो हरिद्वार में ही की थी मैंने। वहाँ भी मैंने फ्रंट ऑफिस इंचार्ज की तरह ही नौकरी करी, और वहाँ पर करीब 150 से 200 कर्मचारी थे और मैं इकलौती महिला थी वहाँ पर। आई वॉज द ओनली फीमेल वर्कर, और मेरा काम जो था वो ऑफिस में था। तो मैंने, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल क्लर्क से और डायरेक्टर तक का सफ़र तय किया है, रिसेप्शनिस्ट से डायरेक्टर तक का सफ़र तय किया है एक्चुअल में। क्लास वन में मैं देहरादून आ गई थी फादर मदर के साथ। पापा कॉन्ट्रैक्टर थे इसलिए कई बार जगह बदलनी पड़ी हम लोगों को, जहाँ पर भी उनकी साइट होती थी उसके अकॉर्डिंग हम लोग चले जाते थे। तो क्लास वन से लेकर क्लास सिक्स तक मेरी पढ़ाई देहरादून में हुई, स्कॉलर्स होम वहाँ पर एक स्कूल है, काफ़ी अच्छा स्कूल है, तो वहाँ मैंने पढ़ाई करी। मैं थ्रू आउट टॉपर थी। सिक्स के बाद जब मैं सेवन्थ में आई हरिद्वार में मैंने जो स्कूल ज्वाइन किया वो था सेंट मेरीज पब्लिक स्कूल, CBSE बोर्ड का स्कूल था, मिशनरी स्कूल। 10th तक मेरी एजुकेशन वहाँ रही। 11th और 12th मैंने DPS रानीपुर हरिद्वार से किया, जो कि वहाँ का बेस्ट स्कूल है आज भी, और वहाँ पे बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिलता है। मेरे एडमिशन की बड़ी लंबी कहानी है कि कैसे मैंने अपना एडमिशन लिया। और वहाँ पर जो BHL के बच्चे होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, तो मैं नॉन BHL थी। पापा क्योंकि बिजनेसमैन थे, आउटसाइडर थी, उन्होंने मुझे एडमिशन देने से मना कर दिया, और मैंने कहीं और अप्लाई भी नहीं किया था। तो प्रिंसिपल से मैं खुद मिली, 10वीं के बाद बच्चा छोटा ही होता है, इतना बड़ा नहीं होता। मैं उनसे मिली और पापा ने साफ कह दिया था कि अपने आप करवा सकते हो तो करवा लो, मैं नहीं जाऊँगा। तो पापा के होते हुए भी स्ट्रगल कम नहीं था। मैं वहाँ गई, प्रिंसिपल से मिली, उन्हें अपनी पूरी बात बताई, उनको बताया आपने जिस परसेंटेज से बच्चे लिए हैं मेरी परसेंटेज उससे ज़्यादा है, आप मुझे मौका दें। उन्हें अच्छा लगा कि एक बच्चा खुद आया है बात करने और अपने अधिकार के लिए बात करने, तो उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया। 12th मैंने वहाँ से करी। 12th करते करते मैंने मेडिकल की तैयारी करी थी कि मैं मेडिकल में जाऊँ, लेकिन फर्स्ट ईयर में मेरा नहीं हुआ, एक साल और ड्रॉप किया। लेकिन जब सेकेंड ईयर ड्रॉप का चल रहा था तो एक दीदी थी हमारी, उन्होंने बोला अरुणा तुम सिर्फ ड्रॉप मत करो, BSc भर दो। तो उनके कहने पे मैंने BSc फर्स्ट ईयर एकदम लास्ट में भरा और मैं ठीक ठाक परसेंटेज से पास हो गई। और जब मैं BSc में थी तो मेरी फ्रेंडशिप मेरे हस्बैंड से हुई, जिनसे मेरी शादी हुई, रोहित नाम था उनका, रोहित सिंघानिया। वो मेरे कॉमन फ्रेंड थे, मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरे, और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड थे, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी कहीं और हो गई, तो मैं उनकी कॉमन फ्रेंड थी। लेकिन हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे, धीरे धीरे वो समझना ज़्यादा क्लोज हुए और हम लोगों की ये हुआ कि हम शादी करेंगे। 2001 में हम लोगों की शादी हुई। उनके माता पिता को बहुत समझाना पड़ा, मनाना पड़ा, और उसके 3 महीने बाद एक कार एक्सीडेंट में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। ख़त्म हो गई थी मेरी ज़िंदगी वहाँ पर। मेरी ज़िंदगी में एक के बाद एक जो है घटनाएं ऐसी हो रही थी। हस्बैंड की डेथ 8 मार्च को हुई और 10 मार्च को मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है जीवन में, क्योंकि मैंने 4 साल इंतजार किया था अपने हस्बैंड से शादी करने के लिए, उनके माँ बाप को मनाने के लिए, क्योंकि जिनके सर पे माँ बाप नहीं होते ना, उनके उन बच्चों को ढंग से नहीं देखा जाता समाज में, वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो लेकिन उन्हें बहुत प्रूव करना पड़ता है खुद को। बस उसके बाद ज़िंदगी में एक अलग तरह का स्ट्रगल फिर शुरू हो गया। थोड़े दिन मस्ती के मारे, 3-4 महीने और 3 महीने कहने चाहिए, और सब ख़त्म। और मेरे इन लॉज कोऑपरेटिव नहीं थे, उनको लगता था कि मैंने अपने हस्बैंड को मार दिया, मेरे आने से उनकी मृत्यु हो गई। और मेरा डिलीवरी टाइम, मतलब प्रेगनेंसी टाइम बहुत ख़राब भी था, और जब बेटी हुई तो 5 दिन की बेटी लेके मैं आ गई थी उनके यहाँ से। मेरी सिस्टर का बहुत बड़ा हाथ है मेरी बेटी को पालने में। बेटी जब 4 महीने की थी तो उसको फिर छोड़ के, मतलब मुझे जॉब पे जाना पड़ा, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था हमारे पास। 2004 मैं गाज़ियाबाद आ गई बेटी को लेके और सिस्टर को लेके। तो जब हम गाज़ियाबाद आए थे मेरी बेटी 2 साल 3 महीने की थी, छोटी सी थी, लेकिन वो ना बचपन से ही बड़ी चपल थी। 9 महीने की उसने भागना शुरू कर दिया था, 1 महीने की, 1 साल की उसने बोलना शुरू कर दिया था। उसको कभी भी मम्मी की ज़रूरत नहीं लगी उस तरह से, जिस तरह से मम्मी की ज़रूरत बच्चों को लगती है। 1 साल की थी वो जब हम उसकी प्लेट लगा के उसको दिया करते थे और वो खुद खाती थी। आप अच्छे होते ना, आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं साथ में। हमारे जो लैंडलॉर्ड थे, उनकी जो वाइफ थी,
तो वो बहुत प्यार करती थी। मेरी बेटी का नाम घर का चिया है, चिया मतलब चिड़िया समझ लीजिए एक तरह से, चिया वैसे उसका नाम विदुषी है। और उन्होंने उसको रखने के लिए हाँ कर दी। भाभी होममेकर थी, उन्होंने कहा कि तुम जो अपनी मेड को देते हो वो हम मुझे दे दिया करो और तुम्हारी बेटी को मैं रख लूँगी। तो मुझे इससे अच्छा कुछ मिल नहीं सकता था क्योंकि वो घरेलू महिला थी और सेम घर में था, तो बच्चे को घर के अंदर बच्चे एक तरह से दादा दादी टाइप में मेरे भैया भाभी वो जो थे वो मिल गए थे। तो वो हमेशा घर मतलब परिवार में ज़्यादा सदस्य ना होते हुए भी परिवार में ही पली है, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा रहा। और जब मैं यहाँ पर आई गाज़ियाबाद में, तो हमने एक क्रेच है यहाँ पर एक पास में ही, वहाँ पर एक आंटी हैं वो क्रेच चलाती हैं, उनके पास 7-8 बच्चे हुआ करते थे और वो बहुत प्यार से रखती थी बच्चों को। तो स्कूल के बाद सीधा यहाँ से, क्योंकि मेरी बेटी इस कैंपस में जो स्कूल है सिल्वर लाइन स्कूल उसमें ही पढ़ती थी, तो बस यहाँ से वो 12 बजे चली जाती थी क्रेच में और वहाँ से 5 बजे मेरे पास, फिर साथ में हम लोग घर। मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करी 2005 में, इसी संस्थान से मैंने बीएड किया, उसमें मैंने अपने बैच में टॉप किया था। उसके बाद फिर मैंने अपना एमबीए किया, एमबीए मैंने मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से किया है, ओपन स्कूल होता है वो। उसके बाद मैंने एमएड किया, एमए इन हिस्ट्री किया, पीएचडी इन मैनेजमेंट किया, पीएचडी इन एजुकेशन किया, नेट क्वालिफाई किया एजुकेशन में, और अब मैं लॉ कर रही हूँ और मैं अब सारी ज़िंदगी पढ़ती रहूँगी। कोई साल ऐसा नहीं जाएगा जब मैं कोई एग्ज़ाम ना दूँ। मेरे को अपने माता पिता का सानिध्य बहुत कम मिला, लेकिन बचपन काफ़ी अच्छा रहा हमारा। पिताजी मेरे ठेकेदार थे और बहुत क्रिएटिव माइंड के थे वो, बहुत क्रिएटिविटी उनके अंदर थी। और संस्कार में हम लोग जैसे बनिए परिवार से हैं, वैश्य समाज से हैं, तो हिंदू धर्म के बारे में और हमारे जो पूजा पाठ जो होती है, तो हम लोग बहुत मूर्ति पूजा में तो बिलीव नहीं करते थे, लेकिन वैसे मेरे पिताजी बहुत धार्मिक थे, तो हमारे अंदर धार्मिकता जो है वो संस्कार के रूप में उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा आई है। मेरे चेयरमैन सर सुभाष जैन साहब, डॉक्टर सुभाष जैन, वो मेरे रोल मॉडल हैं। वो भी अपने जीवन में स्क्रैच से आज इस मुकाम पे हैं कि वो सेलिब्रिटी का स्टेटस रखते हैं गाज़ियाबाद में। वो मेरे प्रेरणा स्रोत्र भी हैं और मेरे रोल मॉडल भी और गार्जियन भी। मैं उनसे हमेशा कहती हूँ सर 10% भी आपके ऐसे बन गई तो जीवन सफल हो जाएगा। मेहनत मेहनत और मेहनत, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। कोई कहता ना किस्मत में नहीं था, ऐसा नहीं होता। क्या पता किस्मत में लिखा हो कि करोगे तो ही पाओगे। मैं अपने आप को बदकिस्मत नहीं मानती, बदकिस्मत होती तो आज इस मुकाम पे नहीं होती। किस्मत तो कहीं ना कहीं काम कर रही है, ऊपर वाले ने भी हाथ नहीं छोड़ा कभी, और जिस चीज़ में हाथ डाला और थोड़ी सी भी मेहनत करी तो रिजल्ट मिला है। बिना मेहनत के लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मांग मांग के थक गए कुछ नहीं मिला, करा तो सब मिल गया। तो इसलिए मेरा मूल मंत्र है कि आप जिस भी काम को करें पैशन से करें। मैं ना मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखती, मैं मंदिर नहीं जाती, मेरे घर में भी रोज़ घंटी नहीं बजाती, लेकिन भगवान में बड़ी आस्था है। और जीवन में एक चीज़ मैंने पाई कि जब भी मैंने कुछ मांगा ना तब नहीं मिला मुझे वो, और बिना मांगे मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया। तो जब भी कोई चुनौती आती है तो बस मैं ऊपर वाले से इतना ही कहती हूँ कि मेरा ध्यान रखना, चुनौती आती है और चली जाती है। मेरे ऑफिस में मैं डायरेक्टर के पद पे हूँ और मेरा प्रोफाइल फिक्स नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम कोई नहीं करता है वो मैं करती हूँ, और जो मेरा फिक्स प्रोफाइल है उस पर तो काम चलते रहता है। स्टाफ मेरा बहुत अच्छा है, हम लोग एक छोटी मोटी फैमिली की तरह हैं, और बच्चे ही हैं सारे मेरे लिए, चाहे वो उम्र में बड़े हैं छोटे हैं, सब बच्चे हैं मेरे। आज की डेट में आई एम ब्लेस्ड कि वो काम सीख चुके हैं और बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं काम करने में। मेरी वर्किंग उन लोगों को गाइड करना, सुपरवाइज करना, और दुनिया भर की गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस होती है वो सब देखना, जो हमारे वॉकिंस होते हैं उनको टेक केयर करना, एक डायरेक्टर का जो काम होता है वही सारे काम मेरे हैं। और पीछे स्कूल भी है हमारा एक 10+2 सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल, तो आई एम डायरेक्टर विद द कैंपस। बैठती मैं अपना बीएड और बीटीसी विंग में हूँ, तो उसके भी बहुत सारे काम होते हैं, वो भी सब मैं करती हूँ। और यहाँ से घर जाती हूँ तो घर पर खाना फिर बना हुआ होता है, फिर बेटी और मैं और हमारा छोटा सा पेट, हमने अभी अप्रैल में एक बिल्ली ली है, टोफू नाम है उसका, बहुत प्यारी है, और आज की डेट में वो लाइफ लाइन है हमारे घर की। बेटी के पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, हम दोनों के लिए एक दूसरे के लिए टाइम नहीं, तो वो हमारा सेंटर पॉइंट है। जब उसके साथ हम होते हैं तो हम बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। अब
अपने आज में जियो, अपने आज को अच्छे से जियो और इसको संतुलित वे में जियो। आपने अगर अपने आज को ठीक से जिया तो कल आपका ठीक हो जाएगा। और जीवन का तो गारंटी तो कोई नहीं देता, लेकिन जितने दिन जियो उतने दिन आप कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग आपको याद रखें। घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है और हर जगह मैं अपनी बेटी के साथ जाती हूँ। मैं अभी तक 21 कंट्रीज़ घूम चुकी हूँ, जिसमें नॉर्वेन कंट्रीज सारी हैं और यूरोप में बहुत सारी हैं और आपकी ये दुबई, सिंगापुर वगैरह सब कवर्ड हैं। और इंडिया में भी मैं काफ़ी कुछ ट्रैवल कर चुकी हूँ। जहाँ तक बात धार्मिक स्थल की है, जगन्नाथपुरी मैं जा चुकी हूँ, शिरडी साईं बाबा मैं जा चुकी हूँ और अपना उदयपुर के पास एक रणकपुर टेम्पल है जैन धर्म का, मैं वहाँ गई हूँ। तो मैं इंडिया में भी वाइडली ट्रैवल हूँ, अच्छा खासा घूमी भी हूँ। मुझे सिलाई कढ़ाई बहुत पसंद है। सूट नहीं करती मेरे प्रोफाइल को, लेकिन मुझे सिलाई आती है पूरी और मुझे कढ़ाई का बहुत शौक है। और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, डू इट योरसेल्फ टाइप, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये मुझे बेहद पसंद है। आजकल मैं ड्राइंग सीख रही हूँ ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा। मुझे मन करता है कि मेरे घर में कोई पेंटिंग लगी हो तो मैंने बनाई हो, तब लगी हो। बचपन से ही मुझे बहुत शौक है ड्राइंग। मैं फ्री हैंड करती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ मैं जो क्रिएटिव हो। तो हॉबीज़ बहुत सारी हैं, टाइम बहुत कम मिलता है लेकिन करती हूँ। शुरू में जब 10th क्लास में थी, एक दिन पिताजी जी ने मारा था मुझे और मैंने जो लिखा था, जो मेरी पहली कृति थी उसकी दो लाइनें मुझे अभी तक याद हैं, बाकी तो मुझे पूरा याद नहीं। उसकी दो लाइनें थी कि क्या ज़िंदगी ज़िंदगी है मेरी, लगे मरी मरी और मेरे दिल की हर बात मेरे दिल में दबी पड़ी, कुछ इस तरह से वो कविता थी। और उसके बाद मैंने काफ़ी कविताएँ लिखी, लेकिन अभी शायरी जो है वो बंद है। मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक है, शायद ही कोई मूवी होती हुई जो मैं नहीं देखती हूँ। ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मुझे बहुत पसंद है, और भी मूवीज़ हैं, परिणीता मुझे बहुत पसंद है। एक्टर्स की यहाँ तक बात की जाए, मेरा कोई पसंदीदा तो नहीं है, मुझे कैरेक्टर आर्टिस्ट ज़्यादा पसंद आते हैं। शायद मुझे अनुपम खेर ज़्यादा पसंद है, गाने सुनने भी पसंद है, लेकिन मैं पुराने गाने ज़्यादा पसंद करती हूँ। और आजकल मैं कन्नड़ और मलयालम मूवीज़ देख रही हूँ, उनमें सबटाइटल्स रहते हैं तो दे आर ऑल्सो वेरी गुड, नाइस मूवीज। धर्म, मैं किसी धर्म विशेष में बिलीव नहीं करती, लेकिन मैं इस बात में जरूर विश्वास करती हूँ कि मनुष्य को मनुष्य माना जाए, आपसे किसी के कोई आहत ना हो, इतना जरूर आप ध्यान रखें। मैं चैरिटी में बिलीव करती हूँ, लेकिन मैं कभी भी भिखारी को पैसे नहीं देती। आज तक मैंने किसी भिखारी बच्चे को पैसे नहीं दिए होंगे, उसे रोटी जरूर खिलाई होगी। बस धर्म में जो लोग कहते हैं ना कि मंदिर में दान कराओ, पेटी में डालाओ, वो सब मेरी आस्था का हिस्सा नहीं है। गॉड की तरफ से ही ब्लेस्ड हूँ और मैं अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं करती। मैं गलत बोल दूँ कि मैं व्यायाम करती हूँ, योगा करती हूँ, ऐसा नहीं है। बस डाइट पे मेरा ज़रूर ध्यान रहता है, क्योंकि जंक फूड मैं नहीं खाती। सबसे बड़ी बात कि मैं खुश रहती हूँ। एक फेज़ था जब मैं बहुत स्ट्रेस में रहा करती थी, लेकिन अब मैंने वो टाइम निकल गया। मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, एट पीस हूँ। मैं रोटरी से 2016 में जुड़ी और 5 साल में मैं काफ़ी लंबा सफ़र जी चुकी हूँ उसका। 2018 में मैं बेस्ट सेक्रेटरी अवार्ड ले चुकी हूँ डिस्ट्रिक्ट का, और इस समय मैं अपने रोटरी क्लब गाज़ियाबाद क्लासिक की प्रेसिडेंट हूँ। लॉयंस से भी मैं 2016 में ही जुड़ी थी, लेकिन उसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाती, क्योंकि उनके सारे प्रोजेक्ट और सब चीज़ें जो उनकी दिन में होती हैं, वर्किंग होने के नाते मैं इतना समय दे नहीं पाती। रोटरी में लेकिन हो जाता है मेरे से मैनेज। इसके अलावा मैं भारत विकास परिषद की मेम्बर हूँ, और जब भी कोई सोशल प्रोजेक्ट होता है तो उसमें तन मन धन तीनों देके मैं सहयोग करती हूँ जितना मेरे से हो सकता है। और समय समय पे मैं इन फॉर्म ऑफ मनी, इन फॉर्म ऑफ टाइम, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, जितना कंट्रीब्यूशन होता है देती हूँ। मैं रोटरी की मेजर डोनर भी हूँ, जिसमें 10 लाख रुपए दे करके आप मेंबर बनते हैं। समाज सेवा हो रही है। और एक बात और थी कि जैसे मैं अकेली महिला हूँ, तो अगर मैं अकेले चाहूँ कुछ करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको एक संस्था मिल जाती है जिसमें आपके जैसे सोच के आपके लाइक माइंडेड पीपल आपको मिल जाते हैं, जो सभी समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जब आप टीम बन जाते हैं तो कोई भी काम करना ईजी हो जाता है, और आप अपनी जो एनर्जी है या जो टाइम है या पैसा है उसको चैनलाइज कर पाते हैं। रोटरी आपको ये प्लेटफॉर्म देता है, वो आपको प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपना पैसा एक ऐसी संस्था को दें जहाँ से वो सही लोगों तक जाए।
और रोटरी बहुत कुछ करता है, कोरोना के लिए किया, पोलियो तो भारत से रोटरी नहीं निकाला है, भारत से नहीं विश्व से पोलियो रेडिकेशन जो है वो रोटरी ने ही किया है, इसको कोई माने या ना माने वो अलग बात है। और रोटरी हर फील्ड में काम करता है, ब्लड डोनेशन और स्कूल्स को अच्छा करना, एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं वो, इवन महिला स्वास्थ्य के ऊपर भी काम करते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर काम करते हैं, ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, रोटरी हर क्षेत्र में है। सपने जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं कभी भी खाली नहीं बैठूंगी ये मुझे पता है। और आगे आने वाला टाइम जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन का ही है और ऑनलाइन कोर्सेज का ही है, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहूँगी जो करियर काउंसलिंग संबंधित है, जिसे मैं ऑनलाइन प्रमोट करूँगी। और बच्चों को ना आज की डेट में करियर काउंसलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं चारों तरफ के बच्चे हैं, लेकिन 10% बच्चे होते हैं जिनको एक्चुअली पता है कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है और अपना मुकाम कैसे हासिल करेंगे। इस चीज़ में मैं जाना चाहूँगी, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत अच्छी हूँ मैं, तो करियर काउंसलिंग मेरा आगे चल के रहेगा। सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे जीवन में 3 लोगों का रहा है, एक सुभाष जैन साहब और उनकी वाइफ बबीता जैन जी, दूसरी मेरी सिस्टर आभा जैन और तीसरे मेरे एक मुँह बोले भैया हैं विजय जैन, वो गाज़ियाबाद में ही रहते हैं। उनकी फैमिली आज की डेट में मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। मैं अपने घर में अगर परिवार को गिनती हूँ तो सिस्टर का परिवार और जो भैया हैं उनका परिवार, बस उनकी वाइफ के साथ इतनी अच्छी ट्यूनिंग बैठी। आज की डेट में मैं राखी बांधती हूँ भैया को और उनके बच्चे बुआ बोलते हैं मुझे, मैं उनके घर में जो और बुआएं हैं उनकी असली बुआ उनसे भी ज़्यादा बुआ हूँ। युवा पीढ़ी के लिए एक ही मैसेज है, टाइम ख़राब करना बंद करें, अपने लक्ष्य के प्रति थोड़ा सा समर्पित रहें, क्योंकि युवा काल में आपको समय की कीमत नहीं होती, लेकिन यही वो समय है जो आपको आपके आगे आने वाले 30-40 वर्ष देगा। और सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें जो हैं इनको एंटरटेनमेंट तक सीमित रखें, इससे इतना मत जुड़ जाएं कि आप अपना मुख्य धारा जो आपका करियर का है वो भूल जाएं। और बाकी जो भी करें उसे अच्छे से करें, आधे दिल से ना करें, हाफ हार्टेडली ना करें, पैशनेट जरूर होना चाहिए। चाहे आप एक तबला वादक बने, लेकिन अगर आप मन से बनेंगे तो आप नेशनल फेम के हो जाएंगे। मैं अपनी बेटी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी जीवन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो, भगवान तुम्हारे सारे सपने पूरे करे, और इन सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत, एक जो लगन चाहिए जो तुम्हारे अंदर है, उसे हमेशा बरकरार रखना। गॉड ब्लेस यू बेटा।